सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं इस हफ्ते मींस के फ्राइडे तक रिलीज होने वाली सभी बढ़िया बेस्ट हिंदी इंग्लिश या हिंदी डब वेब सीरीज जो अभी हमें इस हफ्ते में देखने को मिलने वाली है, जिनमें ज्यादातर रिकमेंडेड वेब सीरीज एंड मूवीज ही शामिल की गई है और बाकी घटिया वाली को इस लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो लिस्ट को पूरा देखें और इस लिस्ट वाली एक भी मूवी या वेब सीरीज मिस ना कर जाएं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी ऐसे ही एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेते रहने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें, जहां पे अभी मैं डेली के डेली ही पोस्टर के साथ अपडेट देता रहूंगा। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले है हॉलीवुड की एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी प्लेन, जिसे अभी इंटरनेशनली लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। और ये मूवी अभी हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। ये मूवी फुली रिकमेंडेड है, जो आपको इस मूवी का हीरो देखते हुए पता ही चल गया होगा, जिसका नाम है जेरार्ड बटलर, जिसकी हर एक मूवी धमाल होती है। ये मूवी 2023 में ही कुछ महीने पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जो अभी लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है 8 अप्रैल से। इसके बाद है 10 अप्रैल को सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर इंग्लिश वेब सीरीज अलर्ट मिसिंग पर्सन यूनिट, जिसे 10 अप्रैल से इंडिया में सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी एक बच्चे के खो जाने से शुरू होती है और काफी टाइम बाद उसकी मदर LAPD मींस के लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट की एक स्पेशल यूनिट में काम करना शुरू कर देती है, जिसमें लोगों के खोए हुए अपनों को ढूंढने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसकी जिंदगी में उथल पुथल तब होने वाली है जब उसका एक्स हस्बैंड उसके पास आने वाला है और उनके बच्चे के जिंदा होने का प्रूफ लाने वाला है। बाकी उसके बाद क्या मिस्ट्री होने वाली है, 6 साल पहले गायब हुआ बच्चा कहां था अभी तक और क्यों अभी तक मिल नहीं पाया, वही कहानी इस सीरीज में क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल के साथ दिखाई गई है। इसके बाद है पाकिस्तानी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक नई एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी लॉकडाउन 370, जो अभी 11 अप्रैल से विडली के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी गई है और अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी कहानी एक स्कूल टीचर की होने वाली है जो अपनी खोई हुई वाइफ को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला है, जो एकदम से बाजार से कुछ लेने गई गायब हो गई थी। तो तभी उसका हस्बैंड उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी उसे ही पुलिस की ओर से टेररिस्ट मानते हुए पकड़ने की कोशिश की जाती है। तो उसके बाद इस पूरी फैमिली के साथ क्या होने वाला है, वही इस पूरी कहानी को क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल से भरने वाला है, जो अभी हिंदी में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है एक बढ़िया चाइनीज हिस्टोरिकल ड्रामा वेब सीरीज द सॉन्ग ऑफ ग्लोरी, जिसे अभी 12 अप्रैल से MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब करते हुए रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी हमें चाइना की हिस्ट्री को दिखाने वाली है। तो जैसे अभी चाइनीज ड्रामा को इंडिया में काफी पसंद किया जा रहा है, तो इसलिए MX प्लेयर और बाकी की प्लेटफॉर्म्स की ओर से इन चाइनीज ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब करते हुए इंडिया में भी रिलीज किया जा रहा है, जिनके चलते ही ये सीरीज भी रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी पॉलिटिकल पावर, रिश्तों के समझौते और धोखे की होने वाली है, जो हमें 12 अप्रैल से हिंदी डब में देखने के लिए वाली है MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक बढ़िया हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज फ्लोरिडा मैन, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड हिंदी डब वेब सीरीज है, जिसकी कहानी एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की होने वाली है, जो अपने पास्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए फ्लोरिडा शहर में एक मिशन पे जाने वाला है। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद वो अपने मिशन को भूलते हुए एक नए ही मिशन में फंसने वाला है, जो मिशन होता है एक बड़े खजाने की खोज का, जिसमें उसकी जिंदगी तो खतरे में आने ही वाली है और भी कई उसके साथ जुड़े हुए लोग उसकी जिंदगी की वाट लगाने वाले हैं। बाकी ये तो मैंने ट्रेलर के बारे में ही बताया है, जो इस वेब सीरीज में होने वाला है वो और भी धमाल होने वाला है, जिस सीरीज को आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है पंजाबी फैंस के लिए फ्लॉक एंटरटेनमेंट के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई पंजाबी वेब सीरीज गेड़ी रूट, जो वैसे तो एवरेज सी कॉमेडी वेब सीरीज होने वाली है, लेकिन अभी OTT पे रिलीज हो रही है तो पंजाबी ऑडियंस के लिए इतना कंटेंट नहीं होता, तो इसलिए मैंने बताना भी जरूरी समझा, जो अभी 13 अप्रैल से फ्लॉक एंटरटेनमेंट के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें हमें 4 फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन इस सीरीज में 4 और लड़कियां भी होने वाली हैं, तो इन 8 लोगों के साथ कहानी आगे बढ़ने वाली है। बाकी कितनी कॉमेडी और स्क्रीन प्ले कैसा रहता है वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसके बाद है पंजाबी फैंस के लिए ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक बड़ी पंजाबी मूवी कलीजोटा, जिसमें पंजाबी सिंगर एक्टर सतेंद्र सरताज और नीरू बाजवा मेन रोल में होने वाली है, और साथ में हमें ब्यूटीफुल गर्ल वेमिका गबी भी देखने को मिलने वाली है, जो अभी 13 अप्रैल से हमें चौपड़ के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसकी कहानी प्योर लव की होने वाली है, जिसमें उम्र बीतने के साथ साथ प्यार के रंग कैसे गायब हो जाते हैं या बदल जाते हैं वही दिखाने की कोशिश की गई है। ये एक सोशल इशू ड्रामा मूवी है, जिसमें कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, जिसको इमोशनल करते हुए दिखाया जाता है। बाकी ये मूवी थिएटर्स में तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन अभी OTT पे रिलीज होने वाली है, तो जिन्होंने भी अभी नहीं देखी है तो वो इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं।
इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से रिलीज की जाने वाली एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज अमेरिकन मैनहंट द बोस्टन मैराथन बॉम्बिंग, जो अभी 13 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज की जाने वाली है, जो 3 एपिसोड्स वाली लिमिटेड ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी कहानी 2013 की होने वाली है, जब अमेरिका के बोस्टन शहर में एक मैराथन इवेंट हो रहा था और तभी वहां पे एक बॉम्ब फटा जिसने खुशी से भरे हुए शहर को एकदम भगदड़ में और निराशा में झोंक दिया। तो अभी 10 साल बाद उस बॉम्ब को प्लांट करने वाले क्रिमिनल को पकड़ लिया जाता है, जो पूरी सच्ची कहानी हमें इस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज में शुरू से लेकर एंड तक दिखाई और समझाई जाएगी, जिसमें हमें उस मैराथन की रियल फुटेज भी देखने को मिलेगी और उसके साथ ही कुछ असली इंटरव्यूज एंड इन्वेस्टिगेशन भी देखने को मिलेगी, जो भी एक रिकमेंडेड वेब सीरीज है जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस सीरीज का ट्रेलर देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो सोचो कि पूरी सीरीज देखते हुए कैसा फील होगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से ही लास्ट ईयर रिलीज की गई एक बढ़िया सुपरहिट एनिमेशन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज बॉस बेबी बैक इन द क्रिब, जिसका सीजन 1 लास्ट ईयर नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया था, अभी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये बॉस बेबी फिर से वापस आने वाला है, जो हमें 13 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। तो जो भी इस बॉस बेबी के फैंस हैं उनके लिए तो इस सीरीज को देखने की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बाकी जिनको इस बॉस बेबी के कैरेक्टर के बारे में पता नहीं है उनको मैं कहना चाहूंगा कि एक बार ट्राई जरूर करना इस सीरीज को, मतलब फुल एंटरटेनिंग सीरीज है ये, जो बच्चों से लेके बड़ों तक को काफी पसंद आती है। इसके बाद नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक बढ़िया 18 प्लस एडल्ट रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज ऑब्सेशन, जो हमें अभी 13 अप्रैल से नेटफ्लिक्स की ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब भी देखने को मिलने वाली है, जो पहले ही वार्निंग दे दूं कि आहा वाली वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें कई रिश्तों की कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन उनमें से कुछ रिश्ते होने वाले हैं जो अपनी हदों से बाहर जाने वाले हैं, जिनमें से ही एक होता है लंदन का एक रिस्पेक्टेड सर्जन जो अपने ही बेटे की मंगेतर के साथ चक्कर चलाने लगता है, जिसके बाद कहानी में रोमांस और थ्रिल ऐसा बनने वाला है जो हमें एंटरटेनमेंट से भर देगा। ये ओनली मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई गई वेब सीरीज है जिसमें बहुत कुछ होने वाला है, तो अगर आपको मैच्योर कंटेंट वाली सीरीज देखना पसंद है, अगर आप ऐसी कहानी डायलॉग्स और सीन्स को हैंडल कर सकते हो या फिर इनको देखते हुए कुछ सीख सकते हो, तो आपके लिए मस्ट वॉच होने वाली है ये सीरीज, जो हमें 13 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली एक बढ़िया तेलुगु रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी ओ काला, जिसे अभी 13 अप्रैल से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि इसे ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाएगा या फिर हिंदी डब भी किया जाएगा, जिसके बारे में तो हमें 13 अप्रैल को ही पता चलेगा। लेकिन इस मूवी के बारे में कुछ डिटेल्स बता देता हूं कि ये एक लव स्टोरी होने वाली है जिसमें लड़का पहले अपनी जिंदगी से जूझ रहा होता है, जिसके साथ हमें बढ़िया क्वालिटी सिचुएशन कॉमेडी दिखाई जाने वाली है, और उसके बाद इस कपल की रोमांटिक कहानी शुरू होगी जिसके बाद उसमें कुछ इमोशनल तड़का लगने वाला है। बाकी मुझे तो लव स्टोरी ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जिनको भी पसंद है वो इस मूवी को देख सकते हैं। इसके बाद नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक ट्रू इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड वेब सीरीज एलेक्स शुएजर रनिंग फॉर माय ट्रूथ, जो हमें 13 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी कहानी एक इटालियन स्पोर्ट्समैन की होने वाली है जो एथलीट खेलते खेलते पूरे देश के लिए तब काले धब्बे के बराबर हो जाता है जब उसे चैंपियनशिप से डोपिंग टेस्ट के दौरान निकाल दिया जाता है, मतलब कि उसे ड्रग्स लेने का अक्यूज माना जाता है, जिसके बाद कैसे उसने अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ी या फिर इस कॉन्स्पिरेसी से निकलने की कोशिश की वही इस सीरीज में दिखाया जाता, जो उसकी पूरी जिंदगी से भी बड़ी बन गई, तो वो कैसे निकल पाया या नहीं वही इस डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड वेब सीरीज में दिखाया जाएगा, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद बड़ी पैन इंडिया एक्शन मसाला मूवी कब्जा, जो कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी लेकिन नॉर्थ इंडिया में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई, बट फिर भी साउथ इंडिया में इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला, जो मूवी अभी कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनली ऑन डिमांड रिलीज कर दी गई थी और वो भी ओनली साउथ की लैंग्वेज में, जिसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जिसे अभी 14 अप्रैल से अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसे साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद है हमारी पंजाबी ऑडियंस के लिए गिपी गरेवाल की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी मित्रा दा ना चालदा, जिसमें कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल करते हुए कुछ सोशल इशू भी दिखाया गया है, जो पंजाब के कुछ चुनिंदे बड़े एक्टर्स में से मींस के गिपी गरेवाल की एक बढ़िया मूवी है, जो अभी हमें 14 अप्रैल से Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिलने वाली है, जिसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और 100% कंफर्म हो चुका है कि 14 अप्रैल से ये मूवी हमें Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही एंटरटेन होते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही अपडेट्स डेली के डेली लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।